जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसर। तो आज मैं आपको कोई भी डेमोंस्ट्रेशन नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरा लॉन्ड्री शॉप है तो मेरे शॉप पर किस तरह से कस्टमर्स आते हैं, कभी कभी कस्टमर के साथ में थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हो जाता है, और कस्टमर कोई भी कस्टमर्स, आप एक एग्जाम्पल लीजिए किसी भी कस्टमर का, कस्टमर को कम से कम पैसों में काम करके चाहिए लॉन्ड्री में, और रिज़ल्ट भी चाहिए, स्टेन क्लीनिंग 100% होनी चाहिए, और चार्जेस भी वो ज़्यादा नहीं देने चाहते हैं। तो हम ऐसे कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करें? और अभी लॉकडाउन के बाद में सिचुएशन ये है कि केमिकल नहीं मिलेंगे जल्दी, जहाँ से मैं केमिकल लाता हूँ वो रेड जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है वो एरिया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जल्दी से केमिकल मिलेंगे, यानी मुझे केमिकल भी बचाना है, और जितना मैं केमिकल यूज़ करूँगा कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए उतना मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, उतना उसके चार्जेस मुझे मिलने चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल, ये एक पैंट है जो मेरे पास कस्टमर ने ड्राई क्लीनिंग के लिए लेके आए हैं, और इसके ऊपर हल्दी के बहुत सारे स्टेन हैं, और ये न्यू ब्रांड पैंट है, इसके साथ में शर्ट भी है, उसकी मैंने अलग सी वीडियो बनाई है। तो ये स्टेन क्लीन करके चाहिए कस्टमर को, और कस्टमर्स को मैंने कहा कि सर हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते स्टेन क्लीनिंग के, लेकिन ड्राई क्लीनिंग करेंगे और स्टेन की गारंटी हम नहीं देते हैं, तो 50 रुपीज़ पैंट का चार्जेस लगेगा, और बाकी दूसरे कपड़े थे उसका अलग चार्जेस थे। तो उन्होंने कहा कि सर आप गारंटी भी नहीं देते हो और स्टेन जाएगा नहीं जाएगा तो 40 रुपये में कर दीजिए। तो मैंने कहा कि सर अभी अगर मुझे 50 रुपीज़ मिलेंगे ये एक तो ही मैं काम करूँगा, स्टेन की गारंटी देना नहीं देना वो बात की बात है, स्टेन जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 50 रुपीज़ अगर मुझे मिलेंगे तो ही मैं ये काम करूँगा, क्योंकि मेरे पास केमिकल अब नहीं है, ज़्यादा केमिकल मेरे पास नहीं है, और अगर केमिकल मेरा ख़त्म हो जाता है और आपका काम मैं अगर सस्ते में करता हूँ तो कोई कल दूसरे कपड़े कोई लेके आएगा, एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे पे करेगा, तो मेरे पास केमिकल नहीं होने के कारण मेरा काम बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने कस्टमर को कन्विंस किया, और आपका क्या एक्सपीरियंस है वो मुझे भी बताइए। ये वीडियो देखिए, ये पैंट के 100% स्टेन मैंने क्लीन किए हैं, और कस्टमर ये नहीं सोचते कि मेरे 2000 रुपये की पैंट है स्टेन लगने की वजह से वो काम से जा सकती है या फिर हम उसे यूज़ ही नहीं कर सकते, लेकिन 50 रुपये अगर हम देते हैं लॉन्ड्री ओनर को तो उसमें क्या बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आपका कपड़े आपके जो पैंट है जीन्स है वो वापस आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही है, कस्टमर्स ने भी सोचना चाहिए कि हम पैसे दे रहे हैं तो सामने वाला हमें कुछ काम भी करके दे रहा है। अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इनके पास कुछ काम नहीं होगा तो बहुत ही सस्ते में ये लोग काम कर लेंगे, लेकिन मेरा ये नहीं है, मैंने बिज़नेस किया है 18 से 19 सालों से लॉन्ड्री बिज़नेस, तो एटीट्यूड के साथ में किया है, मेरे को अगर कम पैसों में काम करना मैंने आज तक अलाउ नहीं किया है, यानी मुझे मैं करता ही नहीं हूँ कम पैसों में काम, लोग कैसे कर लेते हैं 5 रुपये में 10 रुपये में बेडशीट, मुझे समझ में नहीं आता है। और मुझे तो ठीक है, मुझे रेंट नहीं देना है, लोगों को रेंट भी देना होता है, घर का शॉप का रेंट देना होता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी होती है, ये सारा कुछ करते हैं, और इतना कॉम्पिटिशन करते हैं इस लॉन्ड्री बिज़नेस में कि सस्ते में अपना काम कर देते हैं। इन लोगों पे मुझे, ऐसे लोगों पे मुझे दया आती है। मैंने 10 रुपये के लिए मैंने कहा कि आप चाहो तो वापस ले जा सकते हो, अगर मैं उसको स्टेन नहीं भी निकाल के देता तो भी मेरे को कस्टमर 50 रुपये दे के ही जाएगा, ये एक एटीट्यूड है मेरा, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी इस तरह से करना है। बहुत जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं नए नए लॉन्ड्री शॉप जिन्होंने ओपन किए हैं, कहीं से गवर्नमेंट का लोन वगैरह उनको मिल जाता है कंसेशन में या कम इंटरेस्ट में, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं, तो हमें अब क्या करें, तो ये सिचुएशन होती है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि बिज़नेस कीजिए, कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन नहीं करना है, और अपने काम के ऊपर आपको अगर भरोसा नहीं है ना तब भी आप सस्ते में काम करते हो, अपने काम के ऊपर अगर आपको भरोसा है ना तो कस्टमर्स आपको ज़्यादा पैसे दे के जाएगा, जो आपका अमाउंट है ना उससे ज़्यादा दे के जाएगा, 10 लोगों को बोलेगा,
अगर आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है तो फिर आपको सिर्फ ये फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, 10 रुपये में 10-20 रुपये में पैंट शर्ट करके दोगे, उसमें क्या फ़ायदा है? आप सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो और कहीं पे नहीं पहुंचोगे आप, जहाँ पे अभी हो ना लाइफ टाइम आप वहीं पे रहोगे अगर आप एटीट्यूड नहीं बदलोगे अपना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक थी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपका क्या ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और फ्रेंड्स ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद फ्रेंड्स।